हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं कीमा रोल। तो उसके लिए हमने दो बड़े प्याज को बारीक काट लिया है और ये एक पाव कीमा है। इसको हमने हल्दी नमक डालकर इसका पानी सुखा लिया है। इस कढ़ाई में ही हमने इसका पानी सुखाया है। अब हम इसमें एक पल्ली तेल डालकर इसमें पहले प्याज को फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमको प्याज को बस मुलायम करना है, गोल्डन नहीं करना है। इससे बस इसका कच्चापन दूर करेंगे। ये एकदम बारीक कटी हुई प्याज है। ये हरी मिर्ची और लहसुन की चटनी है। हम 2 चम्मच चटनी इसमें डालेंगे। आपको जितना तेज खाना पसंद हो आप उसके हिसाब से चटनी डालें। हमने बहुत ज़्यादा चटनी बनाई थी दूसरे काम के लिए भी। आपको जितनी ज़रूरत हो आप उतनी ही चटनी इसमें इस्तेमाल करें। आपने चिकन रोल तो खाए होंगे, लेकिन हम पहली बार ये कीमा रोल बना रहे हैं। इसमें हमने सामान बहुत सारा डाला है, लगभग 100 ग्राम से भी ज़्यादा सामान होगा। और ये देखिए, अब इसमें हमने सूखा हुआ कीमा भी डाल दिया। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। और आप जो भी सूखे मसाले इसमें डालना चाहे वो डाल सकते हैं। हमने इसमें नमक भी डाला है। हमने कीमे का पानी सुखाते टाइम भी उसमें नमक डाला था ताकि कीमे में भी नमक का स्वाद आए। अब हम इसे अच्छे से मिला के गरम कर लेंगे ताकि उसके अंदर का वो कभी कच्चापन हो तो वो सब दूर हो जाए और ये एक तरह से सूख जाए। ये मैदा है, हमने इसे नमक डालकर गून लिया है और इसकी छोटी छोटी सी लोई बनाई है। अब हम इसे इस तरह से पराठा बनाकर बेलेंगे। एक के ऊपर एक रखकर हम इसकी पतली सी परत बनाएंगे। जब हम इसे सेकेंगे तो ये अलग अलग हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। एक साथ बेलने से फ़ायदा ये होता है कि एक के ऊपर एक रखने से ये बहुत पतली बेल आती है और बाद में जब इसे हम निकालते हैं तो बहुत ही पतली सी ये रोटी हमें मिल जाती है। अगर आप एक रोटी को इस तरह बेलोगे तो वो बीच में से फट जाएंगी या कहीं से मोटी कहीं से पतली होंगी, लेकिन इस तरीके से आपकी सभी रोटी एक जैसी आएंगी जो आपको रोल बनाने के लिए चाहिए। इसी तरह आप समोसे के लिए भी रोटी बना सकते हो। अब हमने तवा गर्म कर लिया है। हमने 5 लोई की रोटी बनाई है, मतलब हमने 5 लोई को एक साथ एक के ऊपर एक रोटी बनाकर बेला है और ये 5 परतें इसकी हम निकालेंगे। ये देखिए, जैसे जैसे सिकते गर्म होते जाएंगे ये खुद ब खुद अलग होते जाएंगे। इस तरह हमें इसे अलग करते जाना है। अब हम इसे दूसरी पलटी देंगे और दूसरी तरफ से भी निकाल लेंगे। इसे बस एक एक साइड से सेकना है। आप देखते हैं, ध्यान से देखिए हम किस तरीके से रोटी को निकाल रहे हैं। ये देखिए कितनी पतली सी रोटी बनकर तैयार हुई है। हमारे रोल के लिए हमें ऐसी ही पतली रोटी की ज़रूरत है। ये देखिए कितनी पतली और कितनी अच्छी रोटी बनकर तैयार हुई है। इसी तरह हम सभी रोटियाँ बेल लेंगे और उन्हें अच्छे से सेक कर तैयार कर लेंगे और फिर कीमा रोल बनाना शुरू करेंगे। ये हमने मैदे का घोल बनाया है ताकि जो इसके किनारे जो खुले रह जाएंगे उसे पैक करने के लिए। देखिए, पहले हम इस तरीके से किनारों पे लगा लेंगे। हम इसमें थोड़ा थोड़ा कीमा भरेंगे। आप जो चाहे वो मसाला भी यूज़ कर सकते हो। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मसाला चेंज कर सकते हो। आप लाल मिर्ची का यूज़ भी कर सकते हो, जैसा आपको पसंद है वैसा बनाएं। लेकिन चिकन की जगह आप मटन का यूज़ करके देखें, आपको अच्छा लगे। बहुत से लोग हैं जो चिकन नहीं खाते हैं, उनके लिए बेस्ट रेसिपी है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। इफ्तार टाइम के लिए भी बहुत अच्छी रेसिपी है। रमज़ानों में इसे ख़ास तौर पर बनाया जाता है और ये घर पे बहुत ही आसानी से तैयार भी हो जाती है। इसमें कुछ ज़्यादा झंझट भी नहीं होता। आप चाहे तो इसमें टमाटर सॉस भी अंदर डाल सकते हो, चटपटे स्वाद के लिए इमली की चटनी भी डाल सकते हो, लेकिन हमने एकदम सिंपल वाले रोल बनाए हैं और यही बहुत टेस्टी लगते हैं। जिस तरह कीमे के समोसे होते हैं वैसे ही इसका भी टेस्ट आता है, लेकिन हर चीज़ का अपना ही एक मज़ा होता है। हमारी सिंपल सी रेसिपी और झटपट बन जाने वाला इफ्तार आप एक बार ट्राई ज़रूर करके देखें, आपको बहुत पसंद आएगा। जो लोग चिकन नहीं खाते उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है। जिस तरह चिकन रोल खाया जाता है उसी तरह ये कीमा रोल भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है।
आप इसे चटनी के साथ खाओ या दही के साथ खाओ, प्याज के साथ खाओ, या आपकी अपनी अपनी चॉइस है। ये देखिए बनने के बाद ये कितने टेस्टी और अच्छे बने, और इसकी पपड़ी भी बहुत अच्छी बनी थी। वो किसी तरीके से मोटी भी नहीं थी और ना ही उसमें कोई नरमपन था, एकदम क्रंची और बहुत ही सॉफ्ट बनी थी। और इसके अंदर के झटपट बन जाने वाली इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना, और हमें कमेंट करके बताना कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है। और अगर आपको कोई गलती नज़र आए तो हमें ज़रूर बताएं ताकि हम उसे सुधार सकें। अल्लाह हाफिज़।